तो मार रहा बोला, पचास हैं तो मार रहा बोला। यार, तो लोग बढ़िया बात है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। सो आज हम लोग के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड क्लास होने वाला है, ओके। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ और अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ यहाँ पे फटाफट। So, कल मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था, आप लोग सॉल्व किए होंगे उसको। किसी का आंसर आया उस क्वेश्चन का?
क्वेश्चन को मैं वापस लिख देता हूं यहाँ पे. ओके सो यहाँ पे एक आंसर आ गया है सर आर इक्वल टू फाइव. एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर. और को ऑडियो और वीडियो क्लियर है आप लोगों को सभी को? ऑडियो और वीडियो क्लियर है आप लोगों को सभी को? यहाँ पे बताओ ठीक. चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है r equal to 5. तो चेक करते हैं r equal to 5 आ कैसे रहा अपने पास. देखो अभी अपने पास ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है ठीक है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम की देखो अब सब्जेक्ट अपने पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें आप लोग डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं है ना. तो वहां पे जो लिखा हुआ है आर, तो ये नंबर सिस्टम का जो रेडिक्स वैल्यू या बेस वैल्यू होता है वही अपने को यहाँ पे फाइंड करना है. R is equal to what? ये अपने को फाइंड करना है ठीक. तो आप लोग जो है जब से आप लोग पैदा हुए तब से आप लोग एक नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जहाँ पे सिंबल्स होते हैं 0 से 9 तक और जो रेडिक्स वैल्यू होती है वो है 10. जो भी इक्वेशन आप लोगों ने सॉल्व किया, कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्यूबिक इक्वेशन, कोई भी टाइप के इक्वेशन अपन सॉल्व कर रहे थे या एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन या डिवीजन कर रहे थे, वो अपन डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं ठीक है. इसका मतलब है कि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल है ओके. तो एक काम करते हैं इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं. तो आपको ये नहीं पता कि ये कौन से नंबर सिस्टम में गिवन है, लेकिन किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करने का तरीका होता है. और तरीका क्या होता है कि उसके बेस वैल्यू के हम लोग पावर्स में जाते हैं है ना, बेस वैल्यू के पावर्स में. तो यहां पे देखो ये रूट ओवर लिखा हुआ है मेरे पास, सो ये हो जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर और आर पावर 1 और 2 इंटू आर पावर 0, ऐसे लिखते हैं हम लोग. और याद रखना कि ये अपने पास स्क्वायर रूट भी गिवन है ओके. और ये हो गया अपने पास सर 1 आर पावर 1 प्लस 3 आर पावर 0. ये तो 2 आर स्क्वायर प्लस 2 आर प्लस 4, ये मैंने स्क्वायर को ट्रांसफर किया तो अपने पास जैसे अपन यहाँ पे रूट लगा दिए ये, तो ये हो गया आर प्लस 3 ठीक. अब मैं इस रूट को ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस 2 आर प्लस 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर ट्रांसफर हो गया आर प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हो गया. So 2R square plus 2R plus 4 is equal to, इसको हम लिख सकते हैं R square plus 6R plus what 9 ठीक. तो 2R square minus R square ये हो गया R square और 2R minus 6R minus 4R 4 minus 9 मतलब minus 5 is equal to 0. ये अपने पास एक quadratic equation मिल रहा है. मतलब जितना भी आप यहाँ पे calculations कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, आप decimal number system में कर रहे हैं ठीक है. और डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको तो सॉल्व करना सब कुछ आता ही है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस 5R प्लस आर माइनस 5 इक्वल टू 0, देन वी विल गेट R इज इक्वल टू 5 एंड वन मोर वैल्यू इज माइनस 1 ठीक. अब आपको तो पता ही है सर कि जो R की वैल्यू होती है रेडिक्स वैल्यू वो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इसका मतलब है कि माइनस 1 जो है वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. इसकी एक्चुअली में दो वैल्यू निकल के आ रही है जिसमें कि एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना, और आर की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है. दैट मींस आवर आंसर विल बी आर इज इक्वल टू 5, जिसमें कुछ लोग का आंसर आया भी था ठीक है. कोई भी डाउट से आप पूछ सकते हैं.
चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आप लोग सॉल्व करके बताना। और क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 135x प्लस 144 8 इक्वल टू 214x प्लस 2। ये देखो, ये मेरे पास एक इक्वेशन की बार है जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सभी इसको आप लोग नोट कर लेंगे। मैं आप लोग के आंसर का वेट कर रहा हूं, सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू को फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप क्या करो कि आपके पास कोई भी नंबर सिस्टम गिवन है उससे आप फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको एक काम करो, पूरे इक्वेशन को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर दो, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में अपने कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान पड़ता है ना। तो अगर इसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सर 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x पावर 0। ठीक है, ये लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद ये देखो, ये अपने पास ऑक्टल में गिवन है तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 8 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8 प्लस, और ये हो गया 4 इंटू 8 पावर 0, ये मिल गया, इज इक्वल टू, ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, मतलब कैलकुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा 1 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस 4 एक्स प्लस 2 होल पावर 0। ये ठीक है, यहां तक सभी लिख लिए। सो दीपक का आंसर आ रहा है एक्स इक्वल टू 7, बहुत बढ़िया दीपक। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस 32 प्लस 4 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 प्लस x प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, सो अपने पास हो गया 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद 8x प्लस 9x, 9x माइनस 3x, ये हो गया अपने पास प्लस 6x। ओके, और 564 32 प्लस 4 और 2 प्लस 4 8, यही अपने पास को सॉल्व करने में आपको मिलेगा माइनस 91 इक्वल टू 0। यहां तक आप पहुंच चुके हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7x माइनस 91 इक्वल टू 0, दैट मींस वी विल गेट 13 एंड माइनस 13 एंड 7, ये दो वैल्यू आ रही है जिसमें से अपने पास x की वैल्यू 7 जो है वो पॉसिबल होगी, दैट मींस दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Mm-hmm.
तो सभी डायवे क्वेश्चन में आप लोग करवा देता हूं इस टॉपिक से लेके। नेक्स्ट है मेरे पास कंसिडर अ इक्वेशन 123 5 इज इक्वल टू एक्स 8 वाई विथ एक्स एंड वाई एज अननोन। The number of possible solution is, और ये अपने पास fill in the blank, ठीक है, इसमें option given नहीं है। चलो लग जाओ काम पे, solve करो इसको। क्या बात है, सिद्धांत का आंसर आ गया 3 सर, बहुत बढ़िया। आप लोग को वीडियो बराबर क्लियर हो रहा है ना, मुझे बताएंगे वीडियो आप लोग क्लियर हो रहा है, कोई ब्लर तो नहीं हो रहा है, चेक करके बताओ वीडियो क्लियर है आप लोग को। ठीक है चलो, तो क्वेश्चन अपने पास लिखा है कई कंसिडर द इक्वेशन, अपने पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 123 और ये हो गया 5 इज इक्वल टू एक्स 8 वाई। तो ये क्वेश्चन जो है दिखने में आसान लग रहा है और आसान क्वेश्चन है भी, लेकिन इसमें थोड़ा टेक्निकली अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एक्स और वाई की वैल्यूज क्या क्या आने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे दिख रहा है सर ये हो गया 1 इंटू 5 स्क्वायर, आप हमेशा की तरह इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद 2 इंटू 5 पावर 1 और 3 इंटू 5 पावर 0, दैट मींस ये हो जाएगा x पावर 1 प्लस 8 y पावर 0। ठीक है, ये हो गया अपने पास 25 प्लस 10 प्लस 3 और इज इक्वल टू एक्स 5 प्लस 8, दैट मींस मेरे पास x और y की जो वैल्यू आ रही है 35 और ये प्लस 3, मतलब कितना सर 30 आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है सर, आपके पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है और आपको दो अननोन यहाँ पे गिवन है, x एंड y टू अननोन्स। ठीक है, आपको x और y की मतलब ये नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको देख रहे हैं कौन कौन से ऐसे पॉसिबल हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अच्छा अमित कुमार ने बोला है सर 5 एंड 6। ठीक, अब ध्यान से आप लोग मेरी बात को समझना, इसमें आंसर कुछ लोग का डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे 3 एंड 10, अमित बोल रहे हैं यहाँ पे 3 एंड 10। देखो ध्यान सुनना मेरी बात को, इस एक्स वाई को अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे तो एक्स वाई एक्चुअली में क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है सर 30 है ना, है ना, तो 30 का मल्टीप्लीकेशन एक्चुअल में कैसे हो रहा है सर, ये अपन लिख सकते हैं क्या 1 इंटू 30 पॉसिबल है, बिल्कुल सही है, या इसको हम लिख सकते हैं सर 2 इंटू 15, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद सर अपने पास क्या होगा नेक्स्ट, सर 3 इंटू 10, ये भी पॉसिबल है, एक्स और वाई की वैल्यूज देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, उसके बाद हम देख सकते हैं सर 5 इंटू 6, ये भी तो पॉसिबल है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है सर, नेक्स्ट होगा 6 इंटू 5, नहीं सर ये तो ऑलरेडी यहाँ पे काउंटेड है ना, ये कॉम्बिनेशन जो है वो वापस से रिपीट करना स्टार्ट कर दिया है ना, अब नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा सर, नेक्स्ट अपने पास आएगा 10 इंटू 3, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी आपने यहाँ पे काउंट कर लिया है, अब जैसे ही वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया आप वहीं पे आके स्टॉप हो जाओ। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, तो आपको क्या दिख रहा है सर, कितने वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल हो रही है 1 2 3 4। ठीक, ये अपने को दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कि अगर मैं इस वाले पार्ट को देखता हूं, कौन सा वाला पार्ट सर, कि जब ये लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अपने पास y की वैल्यू जो है, y अपने पास बेस वैल्यू गिवन है यहाँ पे, इसका मतलब है कि y की वैल्यू जो है वो या तो 2 होगी या तो 2 से ज्यादा होगी, ये कंफर्म है। ठीक,
अब मुझे आप एक बात बताओ, जब y की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है क्योंकि बेस वैल्यू 2 है, लेकिन एक नंबर है वहां पे 8 जो यूज हो चुका है, ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसका मैं देखूंगा x आपको नहीं पता, आपको 8 लिखा हुआ है और आप बोल रहे हो कि बेस वैल्यू जो है वो 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। तो ये जो मैक्सिमम डिजिट जो आपके पास दिख रहा है लोन है वो है 8। इसका मतलब क्या है सर कि इस नंबर सिस्टम में जो सिंबल यूज हुआ है वो मैक्सिमम 8 तक यूज हुआ है, मैं इतना बोल सकता हूं। अभी x की वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन मैं इसको देख के बोल सकता हूं कि 8 मैक्सिमम यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है सर कि y की वैल्यू जो है 8 तक यूज हुआ है, इसे कहने का मतलब क्या है, मतलब कि 0 से लेके 8 अपना यूज हो चुका है, मतलब कितने हो गए टोटल सर, 9 सिंबल्स हो गए। इसका मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि या तो y की वैल्यू 9 होगी या तो 9 से ज्यादा होगी, ये बात कंफर्म है, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज के लिए, कैसे, ध्यान से देखना आपको, x और y, चलो इसका जोड़ी बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पे 1 और 30। अब ऐसा जरूरी है क्या कि सर 1x की वैल्यू होगी, y 30 होगा, ये भी तो हो सकता है सर, 30 और 1 ये भी तो पॉसिबल है अपने पास, ठीक। चलो ये हो गया, उसके बाद सर 2 और ये 15, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा सर, ये 15 और ये 2 हो सकता है, फिर उसके बाद मैं लिखा 3 और ये 10 और ये 10 और ये 3, ये भी पॉसिबल है अपने पास, ठीक। और लास्ट पॉसिबिलिटी है 5 एंड 6, और यहाँ पे 6 एंड 5, ठीक है। इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखते रहना आप लोग। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सर आपने अभी क्या बोला कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू कभी तक, कहीं तक भी, लेकिन y की वैल्यू का एक कंडीशन है कि y की वैल्यू 9 से तो ग्रेटर होनी ही है, ये कन्फर्म है, क्योंकि मैक्सिमम सिंबल कितना यूज हो चुका है यहाँ पे सर, 8 यूज हो चुका है सिंबल, इसका मतलब 9 तो होना ही है, या तो 9 से ग्रेटर होगा, लेकिन 9 से लेस नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन पे। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सर ये वैल्यू पॉसिबल है क्या, सर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 13, बोलूंगा बिल्कुल ये सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक। सर ये 30 और 1 क्या ये पॉसिबल है क्या, मैं बोलूंगा सर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि y की वैल्यू 1 कभी हो ही नहीं सकती यार, बेस वैल्यू 1 कैसे हो जाएगी अपने पास, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पे आप देखो 2 और 15, तो ये 2 और 15 क्या ये पॉसिबल हो रहा है अपने पास, तो बोलेंगे सर y की वैल्यू 9 से ग्रेटर होनी चाहिए, वो है, और ये 2, मतलब ये पॉसिबल है। सर ये पॉसिबल है क्या, बोलेंगे सर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। 3 और 10 को आप ध्यान से देखो, सर ये पॉसिबल हो रहा है बिल्कुल, 10 और 3 सर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू 9 से ग्रेटर होनी चाहिए, ये पॉसिबल है क्या, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। इसका मतलब कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो रहे हैं सर, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 3 पॉसिबल सॉल्यूशन, ये हो गया इसका अपने पास आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया, पूरा क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं आपको, पहले ये बताओ मेरे को, समझ में आया कि नहीं अच्छे से आप लोग को, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं कि थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आपको गेट एग्जाम में दिख सकते हैं, हालांकि किसी एग्जाम में तो नहीं आए अभी तक के, ठीक, लेकिन होना चाहिए आपके कॉपी में। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इफ 73x, क्वेश्चन में आगे लिखा है इन बेस x नंबर सिस्टम, इज इक्वल टू 54y इन बेस y नंबर सिस्टम, द पॉसिबल सॉल्यूशन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर, ऑप्शंस आर 8 एंड 16,
ऑप्शन बी 10-12, ऑप्शन सी 9-13 और ऑप्शन डी 8-11। ये गेट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अब एक बार सॉल्व करो। तो ये इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। चलो सभी आंसर इसका दे दो फटाफट। अभी वीडियो बंद हो गया था ना, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया क्या? वीडियो और ऑडियो क्लियर है यहाँ पे, बताओ तुम, वीडियो ऑडियो क्लियर है आप लोग को? ठीक, देखो सो यहाँ पे मेरे पास गिवन है 73x is equal to 54y। The possible solution of x and y, मतलब इसको आप कन्वर्ट कर लो 7x plus 3 equal to 5y और plus 4, मतलब 7x minus 5y is equal to 1, ये आप देख सकते हो। तो चेक कर लो आप कि x और y की कौन सी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल हो रही है। तो आप जो वैल्यू पुट करोगे, अगर यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करने के बाद आपको 1 यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया तो वही अपना आंसर होगा, है ना? तो यहाँ पे आप पुट करके देख लो। अगर मैं पुट करता हूं यहाँ पे सर लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी को 8 और 11, तो 7 × 8 − 5 × 11 कितना हो गया सर? 56 − 55 दैट इज 1।
तो ये अपने पास इसको फॉलो कर रहा है, दैट मींस ऑप्शन डी अपने पास करेक्ट आंसर है ना। सारी वैल्यूज को आप उठा के पुट कर सकते हो। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक लिखिए आप लोग अर्थमैटिक ऑपरेशन, अर्थमैटिक ऑपरेशंस नोट करेंगे आप लोग, अर्थमैटिक ऑपरेशंस ठीक है। अर्थमैटिक ऑपरेशन अपने पास फोर टाइप के होंगे यहाँ पे। सबसे पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन आप लोगों को मेनली दो चीज ही पढ़ना है यहाँ पे, और वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि जो चैप्टर अपने पास चल रहा है वो है नंबर सिस्टम, तो सभी को यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम में एडिशन करना आता है, सब्ट्रैक्शन करना भी आता है, सभी को आता है, बचपन से अपन वही सीखते आ रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम जो हम लोगों ने कल पढ़ के रखा हुआ है उसमें हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन करने वाले हैं ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखते रहे, आपको क्या बता रहा हूं यहाँ पे। जब आप बात करते हो बाइनरी, ये बाइनरी एडिशन का ठीक है, बाइनरी एडिशन, तो बाइनरी एडिशन में अपने पास रूल होता है सर जीरो प्लस जीरो। बाइनरी एडिशन मतलब आर इक्वल टू मेरे पास टू हो गया, मतलब सिंबल होगा जीरो एंड वन, यही दो सिंबल होंगे। तो जीरो प्लस जीरो का जीरो, फिर उसके बाद जीरो प्लस वन, ये हो गया मेरे पास वन, और वन प्लस जीरो, ये भी वन हो गया, और वन प्लस वन, ये यहां से देखना आप लोग यहाँ पे वन प्लस वन कितना होने वाला है। सर वन प्लस वन जो है वो बनेगा टू, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1 प्लस वन बनेगा 2। लेकिन 2 जो होता है अपने पास बाइनरी में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे बाइनरी एडिशन कर रहे हैं ठीक है। तो 1 प्लस वन अपने पास हो गया 0, और यहाँ पे कैरी बनेगा 1। तो ये एक्चुअली किसको शो कर रहा है, ये अपने पास कैरी को शो कर रहा है, बात समझ में आ रही है। और अगर आप ध्यान से देखे होंगे कौन सा पार्ट, सर जब कल मैंने आपको बताया था 8421 वेटेड कोड, तो 8421 वेटेड कोड में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है 2 को, तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो 0010, ये लिखने का तरीका होता है। तो अगर मैं ये दोनों जीरो को यूज ना भी करूं क्योंकि वो सामने लगा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 और 0। सर ये 1 और 0 जो होता है ये एक्चुअली में डेसिमल में 2 को शो करता है। और आप देखोगे सर बाइनरी में इसको हम लोग क्या लिखे हुए हैं, सर 1 0, ये हो गया 1 0, लेकिन ये 1 क्या अपने पास कैरी हो गया। तो एक्चुअली में वही सारी चीजें यहाँ पे परफॉर्म हो रही है जो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग बाइनरी में कर रहे हैं ठीक। अब बाइनरी एडिशन होता कैसे है आप लोग देखना। देखो जैसे मैंने एक वैल्यू लिया 110110 0 ठीक, इसका मैं एडिशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ यहाँ पे 0100011, ये देखो इसका मैं बाइनरी एडिशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सर 0 प्लस 1, ये हो गया 1, 1 प्लस 1 सर ये 0, और कैरी यहाँ पे 1 आ गया, ये कैरी मेरे पास 1, 1 प्लस 1 सर ये 0, कैरी 1, 1 प्लस 1 और ये 0 भी है, मतलब कितना सर 0 और ये कैरी 1, 1 प्लस 0 1, फिर 1 प्लस 0 ये 1, फिर उसके बाद कैरी कुछ नहीं है। 1 प्लस 1 कितना हुआ अपने पास सर 0, कैरी 1, 1 प्लस 1 ये हो गया 1, और ये अपने पास 1 प्लस 1 ये हो गया 0, और कैरी विल बी 1, ये कैरी अपने पास ठीक। अगर और भी अपन एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, लाइक मैंने लिया 110111 प्लस 1111, ये देखो ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 प्लस 1 सर ये 0, कैरी विल बी 1 ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हुआ अपने पास सर 0, ध्यान रखना 0, और कैरी अपने पास नेक्स्ट जा चुका है ठीक है। ये दोनों का सम कितना हुआ 0, 0 प्लस 1 और ये 1,
और कैरी आपने पास ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। इसको हम लिख कैसे रहे एक्चुअली में, ये देखो ध्यान से, वन प्लस वन प्लस वन मतलब थ्री वंस अगर अपने पास हो गया पांडरी पे, तो वन प्लस वन कितना हुआ सर, जीरो हो गया। और जीरो प्लस वन और ये वन, और अपने पास ऑलरेडी कैरी बन चुका है और ये हो गया अपने पास कैरी, मतलब कि वन प्लस वन प्लस वन कितना होता है डेसिमल में, थ्री होता है ना। और थ्री को हम लोग जब बाइनरी में लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं सर, ये लिखते हैं इस नोटेशन से जीरो जीरो वन वन। तो ये जीरो जीरो को मैं हटा दूं तो ये हो गया वन, किसको रिप्रेजेंट करेगा ये, थ्री को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो समथिंग वैसे ही अपने पास यहाँ पे होने वाला है। तो वन प्लस वन ये हो गया जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन ये जीरो, ये वन वन वन, ये हो गया जीरो अपने पास और ये वन, मतलब ये जीरो अगेन और यहां पे कैरी आ गया वन। तो ये हो गया एडिशन, बाइनरी एडिशन। सभी को दिख रहा है, समझ में आ गया, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया, यस और नो बताओ। रिप्लाई करो आप लोग, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, कहां चले गए सारे। ठीक चलो, तो ये हो गया अपने पास बाइनरी एडिशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पे बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ये सो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने यहां पे वैल्यू लिया हुआ है वन 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 जीरो वन वन, ठीक। और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं यहां पे वन जीरो जीरो वन वन, ये मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। यहां से देखना आप लोग, यहाँ पे दो तीन एग्जांपल के साथ आप लोग को बाइनरी सबट्रैक्शन बताऊंगा। वन माइनस वन सर जीरो, ठीक। वन माइनस वन ये हो गया जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस जीरो वन, वन माइनस वन सर जीरो, और वन सामने क्या लगा हुआ है, सामने जीरो है ना, तो वन माइनस जीरो ये हो गया वन। तो ये अपने पास हो गया सबट्रैक्शन। और भी इसके एग्जाम्पल लेता हूं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, जैसे मैंने लिया वन 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 जीरो वन वन, ये उसके बाद मैंने लिया सर वन जीरो वन वन जीरो जीरो, ये देखो इसको हम लोग सेपरेट करते हैं यहां पे, ठीक। तो वन माइनस जीरो जीरो, वन माइनस जीरो जीरो सॉरी वन, वन माइनस जीरो वन, वन माइनस जीरो ये भी वन अपने पास। अब बात आती है कि जब जीरो माइनस वन अपन यहां पर कर रहे हैं, जीरो माइनस वन, तो सर ये तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ना, सब्ट्रैक्ट तो नहीं पॉसिबल है यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से मेरी बात को आप सुनना। हम लोग का जो नंबर सिस्टम जो फेवरेट है, जिसको हम लोग अपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो कौन सा अपने पास, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे अपने डेसिमल नंबर सिस्टम को बेंचमार्क बना के रखेंगे, ठीक, और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग सारे नंबर सिस्टम को कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो देखो अगर मैं एक लिखता हूं, लाइक मैंने लिखा 795, अभी इसको करने वाले हम, ठीक है, इसको छोड़ दो अभी, 795
और यहां हम लिख रहे हैं 439। जैसे कि हम लिखते हैं इसको हम लोग एडिशन करते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना आप लोग। इसका जब हम लोग एडिशन करते हैं ये मेरे पास डेसिमल में गिवन है, ओके। तो 5 प्लस 9 हाउ मच सर? 4। ठीक, ये हो गया सर। 5 प्लस 9 कितना हो गया अपने पास? एक्चुअली में 5 प्लस 9 क्या होता है सर? 5 प्लस 9 14 होता है, लेकिन क्या 14 अपने पास डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं क्या? नहीं, डेसिमल नंबर सिस्टम में 14 नहीं होता है। सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम में बात करते हैं तो वहां पे बेस वैल्यू होता है 10 और लिखते हैं हम लोग सिंबल 0 से लेकर 9 तक। तो 5 प्लस 9 जब हम लोग 14 लिखते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को, 14 लिखते हैं तो 14 कुछ नहीं होता डेसिमल में, वो एक्चुअली में बनता है सर 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4, ऐसा कुछ। सर ये 10 कहां से आ गया? ये 10 है इसका बेस वैल्यू, ये देखो मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब पहले ये 4 बनेगा, उसके बाद यहां पे कैरी फॉरवर्ड होगा 1, ठीक है। तो यहां पे 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, 13 का बन गया यहां पे 13 माइनस 10 मतलब कितना? 3, है ना, बच्चों वाली बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत काम आएगा बाकी नंबर सिस्टम में, क्योंकि सबका रूल याद रखना आसान नहीं होता है। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, सभी नंबर सिस्टम आप आराम से हो जाएंगे, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे हो गया 3 और ये 1, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 सर ये बनेगा 12 माइनस 10 हाउ मच सर? 2। ये 2 पहले बना और कैरी फॉरवर्ड हुआ 1, मतलब ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही करते थे हम लोग, आपको याद आया होगा बचपन अपना। लेकिन जब मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूं 795 माइनस 439, ध्यान से देखना आप लोग, ये इस परफॉर्म करने में अपन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, है ना, तो 5 में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता यहाँ पे, तो क्या करेंगे अपन यहां से बोरो लेंगे, ठीक है। जब यहां से बोरो आता है, मुझे आप एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता है तो कैरी फॉरवर्ड क्यों होता है? जब वो अपने सिंबल को क्रॉस कर जाता है और वो बनता है 10 के फॉर्म में, जब कैरी फॉरवर्ड होता है तो वो 10 के फॉर्म में जाता है। तो वैसे ही जब बोरो यहाँ पे हम लोग लेंगे तो बोरो जब आएगा उसके बाजू वाले से तो किसके फॉर्म में आएगा? सर वो 10 के फॉर्म में आएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं? 10 प्लस 5 15, 15 माइनस 9 हाउ मच? सर ये हो गया अपने पास 6, ठीक है। 9 से यहाँ पे एक बोरो लिए थे तो बच गया 8, 8 माइनस 3 हाउ मच? सर 5, और ये तो खत्म, 7 माइनस 4 ये हो गया 3, तो ये अपने पास आंसर 356, ठीक है। ऐसा ही कुछ हम लोग करते थे अपने बचपन में, आपको याद आया होगा। तो ये एक्चुअली में जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो 10 के कारण होता है, और जो बोरो अपन लेते हैं वो 10 के फॉर्म में अपने पास वापस आता है बाजू वाले के पास, जिसको हम लोग बोरो दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा तरीका होता है, सेम तरीका सारे नंबर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन सभी नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू क्या डिफरेंट होता है। अभी हम लोगों ने डेसिमल की बात की है, अभी देखो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं किसके फॉर्म में? सर बाइनरी के फॉर्म में। अब एक बात बताओ, बाइनरी में बेस वैल्यू कितनी होती है? सर 2 होती है, ठीक। तो जब 2 यहाँ पे देख रहे हैं 2 के फॉर्म में, मतलब जब बाइनरी में कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो 2 के फॉर्म में जाएगा। आपने देखा होगा मैंने 1 प्लस 1 कितना बोला डेसिमल में? 2, ठीक। तो 2 जो है इज नॉट द सिंबल इन बाइनरी नंबर सिस्टम, इसलिए वो बन गया, इसलिए वो बन गया अपने पास क्या? देखो ध्यान से देखना, 1 प्लस 1 बन गया 2 और वो हो गया 2 से माइनस, कितना बन गया? 0। ये 2 कहां से आया अपने पास? ये 2 सर, ये 2 आया अपने पास नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस वैल्यू से। तो ये हो गया 2 माइनस 2 0, ठीक। तो पहले ये 0 बना और यहां पे आ गया कैरी फॉरवर्ड 1, कोई दिक्कत अपने को यहां पे, ठीक। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे, जो अपने को एक्चुअली भी करना है। सर जब आप यहां पे 0 माइनस 1 करोगे तो पहली बात तो ये सब्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं तो छोड़ दीजिए क्या? नहीं, आप क्या करोगे, इसके बाजू वाले से आप बोरो लोगे। जब आप यहां से बोरो लोगे, ध्यान से मेरी बात सुनना आप लोग, जब ये बोरो लोगे तो बोरो 1 आएगा यहां पे, पहले 0 था तो कितना हुआ 1 और ये अपने पास 0, समझ में आ रही बात। यहां पे पहले 0 था, एक 1 आया तो 1 0 हो गया, मतलब 1 0 कितना होता है सर? 2 होता है, ये देखो 1 0 अपने पास 2 होता है, और ये 2 माइनस 1 ये मैंने लिखा 1, समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अब यहां पे 1 से यहां पे बोरो आपने दिया तो यहां पे क्या बच गया सर? 0,
जीरो माइनस वन अभी भी नहीं होने वाला सब्ट्रैक्ट, तब क्या करोगे आप इसके बाजू वाले से फिर बोरो लोगे, तो बोरो जैसे ही आपने लिया तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, सर ये जीरो हो चुका था, इसके एक आने से ही हो गया वन जीरो। वन जीरो क्या होता है डेसिमल में, सर टू होता है, इसका मतलब टू और माइनस वन हाउ मच, सर ये हो गया वन। ठीक, यहां पे आपने बोरो लिया तो ये वन जो है वो जीरो हो गया, जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस वन ये भी जीरो, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो बताओ समझ में आया कि आप लोग को ये पार्ट, दो एग्जाम्पल से मैं आप लोग को हो सकता है ये बाइनरी सबट्रैक्शन यहाँ पे समझा दिया हूंगा, जल्दी से रिप्लाई करो कि कैसे मैंने यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम को अपना बेंचमार्क बनाया और उसको यूज किया हुआ बाइनरी में, अभी बाकी नंबर सिस्टम में भी ऐसे ही करूंगा मैं। सारी चीजें आप क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कोई भी पार्ट में डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्ट कभी फंसोगे नहीं, जिस तरीके से आपको बता रहा हूं वैसे आप वैसे ही पढ़ना, आप लोग कभी फंसोगे नहीं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, चलो एक का हम लोग करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम नहीं देखेंगे वो जरूरी नहीं है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन जिसमें मैंने यहां पे लिया हुआ है 1010 इंटू 101 के, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम की बात हो रही है। और एक और एग्जांपल मैं लेता हूं 1111 इनटू 1111, ये दोनों अपने को परफॉर्म करना है, फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। ठीक, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन देखो ध्यान से, तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो तो जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हो अपने वे से वैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करते हो यहां लिखते हो आप 1 into 0, ये देखो 1 into 0 0, 1 into 1 1, 1 into 0 0, फिर 1 into 1 ये हो गया 1। ठीक, उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में 0 अपने पास आ जाएगा, ये देख लो बढ़िया सा, फिर 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1010, अब इसका आप एडिशन करते हो सबका तो ये हो जाएगा अपने पास 0 10 के वैल्यू 1 0 0 0 0 1 प्लस 1 ये हो गया 0 कैरी 1 और ये 1 और ये 1, ये आंसर हो गया, बस कुछ खास नहीं था यहाँ पे। उसके बाद जब आप नीचे वाला करोगे तो यहाँ पे आपको मजा आएगा, कैसे देखो आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 1111 सब आ गया, फिर 1111 फिर उसके बाद फिर 1111 फिर उसके बाद एक और आप करोगे 1111, अब इसका आप एडिशन कर दो तो 1 ये हो गया 1, 1 प्लस 1 हाउ मच सर 0 कैरी 1 हो गया। ठीक है, 1 प्लस 1 सर 0 कैरी 1 ऑलरेडी कैरी 1 बन चुका है, फिर 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 सर ये 0 और कैरी 1, बात समझ में आ रही है। ठीक है, 1 प्लस 1 सर 0 कैरी बन गया 1, 1 प्लस 1 फिर ये कैरी 1 0, 1 प्लस 1 सर ये 0 और कैरी 1, तीन तीन कैरी बन रहे हैं यहाँ पे, आसान नहीं होता ये सब करना अपने पास। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐड करोगे कितना मिलेगा सर 0 और 1 2 3 ये तीन कैरी अगेन आपको मिलेगा। ठीक, फिर से आप करोगे सो 1 प्लस 1 कितना हुआ 0 कैरी बन गया 1, फिर 1 फिर 1 प्लस 1 0 कैरी बन गया 1, 0 प्लस 1 सर ये 1 बस। ठीक है, 1 प्लस 1 0 कैरी बन गया 1, फिर 0 प्लस 1 1 और ये आ गया 1 अपने पास, ये आंसर। बताओ तो समझ में आया मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को, सो ध्यान से एडिशन करना है क्योंकि तीन तीन चार चार कैरीज वहां पे आ रही है ना, क्यों आ रही है आपको पता है उसके प्रीवियस एडिशन से, ये मैनेज करना आसान नहीं हो पाता है, मिस्टेक होता ही है। आप लोग बताओ रिप्लाई करके समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ू यहां पे।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिया और मैंने बोला आपको कि मेरे पास एक नंबर है 735.30, ये एडिशन करना है अपने को इसको, ये अपने पास किसमें, ऑक्टल में 435.47, ये भी ऑक्टल में है, और अपने को जो आंसर निकालना है वो भी अपने पास ऑक्टल में होना चाहिए। ये देखो, इस चार्ट को मैं यहां पे क्वेश्चन ले रहा हूं, किसमें सारे के सारे नंबर सिस्टम ऑक्टल में गिवन है। ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट में आपको बता देता हूं अभी से, आप लोग ध्यान सुन लो कि जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे यहाँ पे, तो दोनों चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, तो हमेशा सेम नंबर सिस्टम के साथ ही वो प्रोवाइड होता है। मतलब कि जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन आप करोगे तो दोनों का यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन में नंबर सिस्टम सेम होना चाहिए, है ना। अगर नंबर सिस्टम सेम नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट करो सेम नंबर सिस्टम में, समझ में आ रही बात, ठीक है। जैसे मेरे पास ये है, दोनों ऑक्टल में लिखा हुआ है, तो अगर ये ऑक्टल में लिखा है तो इसके साथ मैं यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो, इसको मैंने यहां से रिमूव किया, इसको अपन सॉल्व करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना आप लोग, फिर आप नोट कर लेना, ठीक है। सर 0+7 कितना होता है, 7 लिखो आप, 3+4 सर 7 होता है, ठीक है। ये सर ऑक्टल की जब आप बात करते हो तो ऑक्टल में होता है 8, और 0 से लेके 7 तक के सिंबल्स होते हैं, है ना, ऐसे ही कुछ होता है। उसके बाद 5+5 कितना होता है सर, 5+5 सर डेसिमल 5+5 कितना होता है सर, 10 होता है। अब सर 10 को यहाँ पे कैसे लिखे हम लोग, सर 10 तो कुछ नहीं होता ना ऑक्टल में, तो अपन क्या करेंगे, ये देखो 10 आया और माइनस बेस वैल्यू कितनी है सर 8, कितना बन गया सर 2, तो यहाँ पे आपने लिखा 2 और ये कैरी हो गया अपने पास 1, ठीक। फिर उसके बाद 3+3 6 और +7 7 तो होता ही अपने पास। उसके बाद 7+4 हाउ मच, 7+4 सर 11 होता है, 11 मतलब 11-8 That means 3. तो यहां पे हम लिखेंगे 3 और कैरी फॉरवर्ड आ गया 1. ये अपने पास आंसर, क्या यह समझ में आया आप लोग को, आप क्या कर रहे हैं, है ना। जैसे अपने पास यहां पे जब लिखते थे हम लोग डेसिमल में तो यहाँ 10 होता था क्योंकि वो बेस वैल्यू थी, डेसिमल नंबर सिस्टम थी। अभी यहाँ पे है बेस वैल्यू 8, तो उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक। चलो अभी क्या काम करते हैं, इसी क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, 785.30 और 435.47, ये इसका मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं, और ये हो गया 8 और ये हो गया 8, ठीक है। ध्यान सुनना मेरी बात को आप लोग, पहले देख लो, तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबसे पहली बात कि 0-7 तो होगा ही नहीं, है ना। इसका मतलब क्या है कि आपको इसके बाजू वाले से बोरो लेना पड़ेगा। जब आप बोरो लोगे तो आप याद करो डेसिमल नंबर सिस्टम में बोरो किस फॉर्म में आता है सर, वो आता है 10 के फॉर्म में, क्योंकि बेस वैल्यू क्या होती है 10 होती है। लेकिन जब मैं ऑक्टल की बात करता हूं, है ना, बेस r इक्वल टू कितना है 8 है, है ना, r इक्वल टू 8, तो यहां पे जब बोरो आएगा तो वो किस फॉर्म में आएगा, 8 के फॉर्म में आएगा, बस और कुछ नहीं है, है ना। तो यहां पे हो गया 0+8, तो 0+8 कितना होता है भाई सर, ये होता है 8 होता है ना, 8-7 सर ये हो गया 1। यहां पे 3 था, अब एक बोरो लेने से 2 हो गया, 2-4 सर ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उसके बाजू वाले से बोरो ले लो, मजा आ रहा है। तो यहां पे 2 था, अब ये हो गया 8 और आ गया 8+2 10, 10-4 सर ये 10-4 6, यहां पे हो गया 5 की जगह पे अब 4, तो 4-5 पॉसिबल नहीं है, फिर से आप बोरो लोगे, बोरो ही लेते जा रहे हो हर बार, एग्जाम्पल ही मैंने वैसा लिया हुआ यहाँ पे चुन के, ठीक है। तो 4 आप यहाँ पे बोरो लोगे तो 4+8 12, 12-5 सर ये हो गया 7, ठीक। उसके बाद ये 7 हो गया, अब यहाँ पे बारी आती है 2 हो गया, 2-3 फिर से आपको बोरो लेना पड़ेगा, फिर आपने बोरो लिया तो ये हो गया 2 था, 8+2 10, 10-, ये हो गया अगेन 7, ठीक। उसके बाद सर ये 7 से आपने जब बोरो लिया था तो ये 6 हो गया था, 6-4 सर ये हो गया 2, ये अपने पास इसका आंसर आ गया, ये देख सकते हैं आप लोग,
सर नहीं समझ में आया 1372। ठीक 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 चलो कोई बात नहीं फिर समझा देंगे। देखो यहां से देखना मैं फिर से बता देता हूं यहां पे अलग से उसको छोड़ दो 735.30 मस्त से अलग अलग लिखते हैं अच्छा दिखेगा आपको 47 ये देखो एडिशन कर रहे हैं हम लोग सभी यहां पे ध्यान से देख लो फिर आप लोग आराम से नोट करना ठीक है। देखो 0+7 ऑक्टल की बात हो रही है 0+7 कितना हुआ सर 7 हो गया ठीक। उसके बाद 3+4 सर ये भी 7 हो गया। ऑक्टल में 7 का नोटेशन होता है ना सिंबल होता है ठीक है पॉइंट। 5+5 कितना हुआ सर 10 हो गया। सर देखो डेसिमल में काउंटर हमेशा 5+5 10 हो गया। क्या 10 अपने पास ऑक्टल में हम लिखते हैं कभी सर बोले नहीं सर ऑक्टल में सिर्फ 0 से लेके 7 तक ही लिखा जाता है। इसका मतलब आप 10 को उठाओ जो आपके पास आया है माइनस कर दो बेस वैल्यू के साथ। बेस वैल्यू कितनी है 8 है अपने पास तो ये हो जाएगा 2 10 माइनस 8 2 तो ये आपने लिखा 2 और ये बन गया 1 है ना ये हो गया ठीक। अच्छा एक काम करो आई थिंक आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है मैं ऐसा आपको बताता हूं। देखो 714.30 315.83 ये देखो इसको एक काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे डेसिमल में करके दिखा रहा हूं। देखो डेसिमल में ध्यान देखना आप लोग डेसिमल में बेस वैल्यू कितनी होती है सर 10 होती है ना ये लास्ट टाइम समझा रहा हूं मैं आप लोग को। देखो 0+3 कितना हुआ सर 3 हो गया। 8+3 कितना होता है 8+3 11 होता है सर 11 कुछ नहीं होता डेसिमल में सर डेसिमल में सिर्फ हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 0 से लेके 9 तक ये देख लो तो 11 कुछ नहीं होता डेसिमल में अपने पास 8+3 11 मिल गया तो 11 का नोटेशन डेसिमल में नहीं होता है तो आपने लिखा 11 माइनस बेस वैल्यू 10 और ये बन गया 1 तो ये बन गया 1 और यहां पे आ गया कैरी फॉरवर्ड 1 ठीक। तो जी ऑपरेशन आपने किया तो आपको मिल गया 1। 4+5 9 9+1 10 सर 10 कुछ नहीं होता 10 माइनस 10 0 तो ये पहले 0 बनेगा फिर कैरी फॉरवर्ड होगा 1। 1+1+1 3 7+3 सर 7+3 10 होता है 10 माइनस 10 ये हो गया 0 मतलब ये पहले 0 बनेगा और कैरी फॉरवर्ड होगा 1। ये हो गया अपने पास किसमें सर डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐसे ही करते ना हम लोग ठीक है। अब मैं जब यहां पे आता हूं ऑक्टल में ध्यान से देखना 5+5 आपने क्या लिखा सर 10 लिखा तो 5+5 आपने लिखा 10 10 10 तो कुछ नहीं होता यार ऑक्टल में तो आपने लिखा बेस वैल्यू को सबट्रैक्ट किया आपको मिल गया 2 ठीक। 3+3 ये कैरी फॉरवर्ड हो गया ना इसके कारण कैरी फॉरवर्ड हो गया 3+3 6 और ये 7 हो गया ठीक। 7+4 11 होता है तो 11 क्रॉस कर लिया ना 8 को वो 11 माइनस 8 कितना हो गया अपने पास ये सर 3 तो ये आपने लिखा 3 और एक कैरी आ गया 1 दैट मींस 1372.77। अब बताओ समझ में आया क्या ये रिप्लाई करो तो समझ में आया एडिशन समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ। ठीक है चलो सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं यहां पे ये सब्ट्रैक्शन मैंने यहां पे किया हुआ है ऑक्टल का ठीक। इस सब्ट्रैक्शन को मैं फिर से बता रहा हूं ध्यान से देखना आप लोग पहले हम लोग डेसिमल का सब्ट्रैक्शन देखते हैं 714.30 और 315.83 ये सब के सब मेरे पास डेसिमल में लिखे हुए हैं और अपने को इसको सबट्रैक्ट करना है ठीक है सबट्रैक्ट करना है अपने को तो 0-3 पॉसिबल है क्या नहीं तो आप क्या करोगे उसके बाजू वाले से आप कैरी बोरो लोगे ठीक है। जैसे ही आपने बोरो लिया तो डेसिमल नंबर सिस्टम में बोरो किस फॉर्म में आता है 10 के फॉर्म में आता है ना तो ये हो जाएगा मेरे पास 10-0 तो कितना हुआ अपने पास 10 10-3 हाउ मच सर ये हो गया 7 ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो ये 3 से हो गया ये 2
फिर ये 2-8 नहीं, आपको फिर से बोरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा बोरो 10 के फॉर्म में, तो बचा 2, 10 प्लस 2 कितना 12 माइनस 8 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, ये 3 हो गया, 3-5 पॉसिबल नहीं है, आपने फिर से यहाँ पे लिया बोरो, ठीक। तो यहाँ पे 3 था है ना, 3 हो गया वो, तो 10 प्लस 3 13, 13-5 सर 8 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 से 0 हो गया बोरो के पास, तो 0-1 सर पॉसिबल नहीं है, फिर से आपको यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा, तो ये हो गया सर 0 था ये, तो 10 के फॉर्म में आएगा, तो 10-1 सर ये 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 से ये 6 हो गया, 6-3 सर ये 3, ये आ गया अपने पास डेसिमल। बताओ समझ में आया, जल्दी बताओ समझ में आया, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बताए आप लोग गलत बात है, आप लोग कमेंट नहीं करते फटाफट, ऐसे में अपन स्लो पढ़ा दूंगा फिर मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा, है ना, ऐसे में क्या है कि मजा नहीं आएगा ना, फिर बहुत स्लो रहा है क्लास अपना, फ्लो पे नहीं बन रहा है, कमेंट करो आप लोग फटाफट, फिर आप लोग ही बोर हो जाओगे, ठीक। देखो यहाँ पे ये ऑक्टल को बता रहा हूं मैं, ये देखो ऑक्टल, फिर से इसी को देख रहे हैं यहाँ पे, इसी को सेम, इसको भूल जाओ, इसको मत देखो आप, अब इसको मत देखो, अब ऑक्टल की बात हो रही है, तो R इक्वल टू मेरे पास 8 है, मतलब कि 0 से लेके 7 तक की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 0-7 कितना होता भाई, सर सबट्रैक्ट ही नहीं हो सकता ना, तो क्या करोगे आप, सर बोरो लोगे, अब बोरो आपने लिया तो बोरो किस फॉर्म में आएगा, सर डेसिमल में बोरो किस फॉर्म में आया था, सर 10 के फॉर्म में, 10 क्यों सर, 10 ही क्यों, क्योंकि उसकी बेस वैल्यू 10 है ना। अब यहां पे जब आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, 8 के फॉर्म में आएगा, तो 8 प्लस 0 सर 8 होता है ना, 8-7 1, ठीक। फिर उसके बाद यहां पे 2 हो गया, 2-4 पॉसिबल है क्या भाई, नहीं, तो क्या करोगे, फिर से बोरो लोगे बाजू वाले से, तो ये हो जाएगा 2 था 8 और आया, कितना हो गया 8 प्लस 2, 10, 10-4 सर 6 लिख दीजिए आप, ठीक पॉइंट, ये 4 हो गया, 4-5 पॉसिबल नहीं है, फिर बोरो लिया आपने, अच्छा लग रहा है बोरो लेने में, तो 4, 8 और आया 12-5 सर ये हो गया 7, ठीक है। उसके बाद ये 3 से 2 बन गया बोरो लेने का, फिर यहां से आपको बोरो लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 8 प्लस 2, 10-3 सर 7 लिखो आप, ठीक। उसके बाद ये 7 से आप एक बोरो जब लिए थे तो ये 6 हो गया, 6-4 सर ये 2, बताओ समझ में आया क्या, ये हो गया अपने पास ऑक्टल में। अच्छा अगर आपसे पूछता कि सर ये डेसिमल में कितना होगा, तो आपको तो कन्वर्जन पता है ना कि ऑक्टल से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं, है ना। तो अगर आपको ये आंसर जो है इस सबट्रैक्शन का आंसर आपको डेसिमल में पूछता, तो आप क्या करोगे, आप ऑक्टल में पहले आंसर ले आओगे, आप उसको चेंज कर दोगे ऑक्टल से डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है, समझ गए आप, क्या बताओ, चलो यार ये बताओ समझ गया, तो ये कितना आएगा,
434.10. अच्छा 434 क्यों आ रहा है? अपने को तो यहाँ पे, चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। तो ये अपन इसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, अपने पास बेस वैल्यू कितनी है सर? बेस वैल्यू R इक्वल टू 6 है, ठीक है, मतलब सिंबल यूज होगा 0 से लेके 5 तक। तो देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि सर आपने ये जो 7 लिखा हुआ है, ये 7 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, है ना, मतलब आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो यार, गलत बात है ये। किसी ने मुझे नहीं बताया कि सर 7 गलत लिखा आपने यहाँ पे, ये 7 पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों पता है? क्योंकि सिंबल अपने पास R इक्वल टू 6 के लिए 0 से लेके 5 तो यूज हो सकता है ना। इसको मतलब कि 7 इसके जगह मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा। आप कुछ और मैं क्या लिखूं सर? चलो एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं 5। ये ध्यान से पढ़ो यार आप, है ना, ऐसा गलत बात है ये। देखो वन प्लस वन ये 2, 2 प्लस 5 सर 7 होता है। 7 लिख दूं मैं? नहीं सर 7 गलत है ना, क्योंकि 7 इस सिंबल में यूज ही नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे? 7 माइनस बेस वैल्यू करोगे 6। हाउ मच सर? ये बनेगा 1। ये अपने पास हो गया 1 पॉइंट, कैरी 1 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया, 7 और 8 ये हो गया 8 माइनस 6 मतलब 2, तब ये हो गया 2, ये 1 कैरी, फिर ये हो गया अपने पास 5 और ये 5 माइनस 1 कितना होगा सर? 6 होता है ना, 6 लिख दो यहाँ पे। नहीं यार गलत है ये, क्यों? क्योंकि अपने पास बेस वैल्यू 6 है, तो सिंबल है 0 से लेके 5 तक। तो क्या करेंगे? 6 माइनस 6 हाउ मच सर? 0। तो ये 0 बन गया और कैरी 1 मतलब 1, ये इसका आंसर होगा। चलो ये करो 543.21 104.51, इसको आप सबट्रैक्ट करो तो जरा, इसको सबट्रैक्ट करो तो ये जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना अलग से, इसको आप लोग लिखा करो, है ना, ये जो चीजें है ना हम लोग भूल जाएंगे। दो महीने बाद जब इसको आप फिर से पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, जब ये सब्जेक्ट एंड हो जाएगा, जब ये इवन एक चैप्टर भी एंड हो जाएगा ना, तो इसको आप भूल जाओगे, कंफर्म बता रहा हूँ यार, तजुर्बा है। तो आप इसको लिखा करो जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, छोटी छोटी चीजें, है ना, साथ में, ताकि आपको पता चले कि हाँ सर ने ऐसा कुछ बताया था, याद आ गया। नहीं तो फिर आप खोजते रहोगे किससे पूछे किससे पूछे, ऐसा होगा कन्फर्म। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लो, है ना, मैंने क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आंसर देना। सभी का एक साथ एक जगह पे सही आंसर आना चाहिए। चलो यार सॉल्व किया जाए, बहुत हो गया यहाँ पे। देखो तो ये मेरे पास क्वेश्चन, तो इसमें दिख रहा है आपको कि सर 1 माइनस 1 सर इसको आप 0 लिख दो। पहले आप ये चेक कर लो कि बेस वैल्यू क्या है सर? 7 है, मतलब सिंबल 0 से लेके 6 तक यूज होना चाहिए बस, ठीक। 2 माइनस 5 सर नहीं हो सकता, क्या करोगे आप सर? बोरो लोगे। आपने बोरो लिया तो बोरो लोगे तो यहाँ पे आएगा बोरो सर, किस फॉर्म में आएगा बताइए तो एक बार सर, बोरो आएगा, जल्दी बताओ तो बोरो किस फॉर्म में आएगा, रिप्लाई करो तो, कमेंट करो आप लोग, बोरो किस फॉर्म में आएगा, फटाफट रिप्लाई करो, सब 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 रिप्लाई करो, सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी 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 मजा आ रहा है, मजा करो करो करो। एक ही बंदे जो है 4-5 बार लिख दो, 7 लिखो तो आप लोगों का टाइपिंग फास्ट हो जाएगा। हाँ ऐसा होना चाहिए, 7 और लिखो और लिखो, अच्छा लग रहा है देखने में, लिखो 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 लिखो। हाँ ये ऐसा होना चाहिए यार, ये क्लास है ना, हाँ मजा आया।
तो यहाँ पे जो आएगा कैरी, सॉरी बोरो, अभी बोरो आएगा तो वो सेवन के फॉर्म में आएगा ना, तो सेवन प्लस टू कितना हुआ सर, नाइन, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, नाइन प्लस ये अपने पास हो गया सेवन प्लस टू मतलब नाइन, ठीक, नाइन माइनस फाइव सर फोर, खत्म, सर ये थ्री था अब बन गया टू, फिर आपको लेना पड़ेगा बोरो, तो ये हो जाएगा मेरे पास सेवन प्लस टू, अगेन ये नाइन, नाइन माइनस फोर सर फाइव लिख दीजिए आप, उसके बाद यहां पे फोर तो ये थ्री हो गया, थ्री माइनस जीरो सर बोरो लेना पड़ेगा क्या, अरे नहीं यार बस्ती बोरो भी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस जीरो थ्री, फाइव माइनस वन सर ये फोर, चेक करो ये आंसर आ रहा है सभी का, चेक करो तो ये आंसर आ रहा है सभी का, ठीक। चलो अब देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, अभी लास्ट हम लोग करने वाले जस्ट अबाउट टू एंड ये टॉपिक, ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं करना है, इस टॉपिक का आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे नंबर सिस्टम में हम डिफरेंट नंबर सिस्टम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, अदरवाइज यहां से क्वेश्चन जो है बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन आगे कुछ कॉन्सेप्ट में ये सब कुछ यूज होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, दैट्स व्हाई मैं ये बता रहा हूँ, अदरवाइज यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता है, ठीक है। चलो ना यार मेरे को खुश कर दो आप लोग, इसका आंसर बता जल्दी से, खुश कर दो क्या आंसर आएगा इसका, सो दो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, दोनों के लिए सेम वैल्यूज ली मैंने, बस एक जगह पे एडिशन करना है और एक सब्ट्रैक्शन करना है, और दोनों नंबर सिस्टम आपको गिवन है, आर इक्वल टू 16 मतलब हेक्साडेसिमल की बात हो रही है डायरेक्ट, ये लास्ट टू क्वेश्चन है इसके लिए, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन के लास्ट टू क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, तो जो भी सीखना है यहीं पे सीख लो, सब कर्म कर यहीं पे कर लो आप लोग, ठीक है। चलो तो 16 की बात हो रही है, आपको पता ही है सर कि 16 में जब आप लिखते हो r इक्वल टू 16 आप लिखते हो तो आप लिखते हो 0 से लेके 9 तक और a से लेके f तक, सर ये a से लेके f तक समझ में नहीं आता है, या आप इसको लिख लो 10 से लेके 15 तक, है ना, ये सब मैंने लिख दिया है। उसके बाद सर ये b लिखा हुआ है, सर b प्लस 3 अपन क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, किसी का आंसर आया लग रहा है, बी ए डी पॉइंट ई, ठीक ठीक ठीक, चलो है ना, रैंडम क्वेश्चन दिया है मैंने, चेक करते हैं। तो सर b का मतलब होता है 11, जानते हैं सभी लोग, ये देखो मैं अलग से यहां पे लिख देता हूं, a मतलब 10, b मतलब 11, c मतलब 12, d मतलब 13, e मतलब 14 और f मतलब 15। अब इससे आप लोग के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो ये लिख दिया मैंने सब कुछ, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे समझने में। तो सर b 11 है, 11 प्लस 3 सर 14 होता है, सर 14 नोटेशन होता है या हेक्साडेसिमल में, तो क्या बोलोगे आप, सर यस बिल्कुल होता है, 14 को हम लोग क्या लिखते हैं सर, 14 e होता है, मतलब ये हो गया e अपने पास, ठीक है, 14 को हम e लिखते हैं हेक्साडेसिमल में। f प्लस a, सर ये गड़बड़ हो रहा है क्या, सर f प्लस a मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप, सर 15 प्लस 10 ये आप बोलना चाह रहे हैं, है ना, 15 प्लस 10 कितना हो गया सर 25, क्या 25 हेक्साडेसिमल का नोटेशन होता है, बोलेंगे सर नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, ये 25 माइनस 16 बेस वैल्यू है ना,
तो कितना आएगा अपने पास सर? 9 हो गया। तो यहां पे आपने लिखा 9 और ये हो गया कैरी फॉरवर्ड। 7 + 1 = 8 + 5 सर 13। क्या 13 होता है अपने पास? सर बिल्कुल 13 नोटेशन होता है, लेकिन 13 को हम लोग क्या लिखते हैं? वो लिखा हुआ है देखो सर, लिखते हैं डी। ठीक, क्या कैरी गया 1? नहीं, क्योंकि 16 से क्रॉस नहीं हुआ ना ये। उसके बाद 1 और ये 7, ये हो गया 8। बी प्लस 5, सर बी को हम लोग लिखते हैं 11, है ना। 11 + 5 सर 16। 16 कोई नोटेशन होता है क्या अपने पास हेक्साडेसिमल में? तो बोलो कि सर नहीं होता यार, क्या करें हम लोग? सर 16 - 16 0, तो ये बनेगा 0, है ना। ध्यान रखना बी, बी अपने पास 11 है, 11 + 5 = 16, 16 - 16 0 बन गया। ठीक है, ये 0, कैरी फॉरवर्ड 1, ये इसका आंसर 1080.9e। ये हुई ना बात, है ना, समझ में आ गया हर एक चीज। तो मैं आप देख रहे होंगे मैंने डेसिमल को ही अपना बेंचमार्क बनाया हुआ है और उसी से हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। और मेरे को लगता नहीं कि आप लोग को इसमें कुछ याद करने की जरूरत है। आप डेसिमल का याद रखो और नंबर सिस्टम वैसे लगा दो, r इक्वल टू 10 की जगह पे सारे नंबर सिस्टम आते जाएंगे। यहाँ पे 16 हो गया तो 16 आ गया बेस वैल्यू, है ना। ठीक, चलो यार अब ये किया जाए, बढ़िया सा मस्त लगेगा आपको ये टॉपिक होने के बाद। देखो सर 3 - b, सर बी होता क्या है? सर आप समझ नहीं पा रहे सर ये बी आपने क्या लिखा है। सर बी देखो ये 11, सो 3 - 11 आप क्या बोलोगे? सर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब आप लोगे यहां से बोरो, है ना। आपने बोरो लिया तो बोरो किस फॉर्म में आएगा? जल्दी से रिप्लाई करो सर, जल्दी रिप्लाई करो यार, जल्दी जल्दी फटाफट सर, बोरो किस फॉर्म में आएगा? रिप्लाई फास्ट, सभी लोग रिप्लाई करो तुम, सभी आप लोग ऐसे कमेंट करोगे ना आपको नींद खुल जाएगी। आज संडे का दिन है, पढ़ने का दिन नहीं होता है, लेकिन मानता हूं मैं, लेकिन पढ़ना तो है ना अपने को। ये हुई ना बात 16, बहुत बढ़िया। ठीक, तो 16 + 3 ये लिख देता हूं मैं, 16 + 3 हाउ मच सर? 19, है ना। 19 - 11 सर, 19 - 11 आप क्या बोलते हो सर? 8 होता है ना, ये लिखा मैंने 8 बस। ठीक, यहां पे f था, f मतलब सर 15, लेकिन आपने एक बोरो लिया था तो अब ये क्या बन जाएगा सर? 14 बन जाएगा, है ना। 14 - 10 10 होता है, कितना लिखेंगे आप सर? 4। ठीक है, पॉइंट 7 - 5 सर 2 लिख दो ना आपस। 1 - 7 पॉसिबल नहीं है भाई, अब यहां से आपको बोरो लेना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे मैं एग्जांपल ऐसा एप्रोप्रिएट देता हूं तो आपको समझ में आए सब कुछ, है ना। ऐसा फालतू एग्जांपल नहीं है, सारे ऐसे एग्जांपल इसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1, है ना, यहां से आएगा तो मैं लिखूंगा 16 + 1 हाउ मच? 17। 17 - 7 कितना होता है भाई सर? 10 होता है ना। अब 10 को हम लोग क्या लिखते हैं सर? ए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ए। ठीक सर, बी से एक बोरो लिए थे तो बी होता है 11, अब ये हो जाएगा एक काम हो गया तो 10, मतलब 10 - 5 सर ये 5 आंसर 582.48। ठीक, ये हो गया, कहीं भी कुछ भी मिस्टेक किया आपने, कुछ भी छूट गया तो आंसर कुछ और आ जाएगा। तो आपको कब समझ में आ गया होगा ये पूरे अर्थमेटिक ऑपरेशंस? किसी भी आप, मैंने हर एक नंबर सिस्टम को लेके नहीं आया, मैं रैंडमली आपको कभी 7 दे रहा हूँ, कभी 6 दे रहा हूँ, कभी 16, कभी 8 दे रहा हूँ, कभी डेसिमल नंबर सिस्टम को ले आया हूँ। तो मुझे आप अपनी फीलिंग बताओ, क्या ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर है क्या? मस्त वाली फीलिंग बताओ, क्लियर हुआ क्या बताओ? तो ठीक, चलो सबको समझ में आ गया और मुझे अच्छा लग गया। ठीक,
अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखे, अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक। कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक ठीक है ये ओके। तो हम लोग को यहां पे दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट पढ़ने फॉर वैरायटी ऑफ नंबर सिस्टम। तो यहां पे मैं देखो एक टेबल बनाने वाला हूं, आपको सबको समझ में आएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर सिस्टम ठीक, उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट ठीक है, और मैं यहां पे लिखूंगा आर कॉम्प्लीमेंट। अब सर आपने ये अचानक से जो आर लिखा है वो बताइए तो क्या है? तो आर जो है अपने पास बेस को शो कर रहा है या रेडिक्स वैल्यू ठीक है। इस बार मैंने नोटेशन को कैपिटल आर लिखा है, आप कुछ भी लिखो यार, अपना नाम लिखो आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी में आर की वैल्यू होती है 2 है ना। तो इसका हम लोग दो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, एक होगा 2-1 मतलब 1's कॉम्प्लीमेंट। आप सुने इसको बताओ, तो इसको सुने हो गया आप लोग? ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा इसको, खाली इसमें यहां पे लिख देता हूं 1's, और यहां पे निकालेंगे हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट ठीक है। तो बाइनरी में जब भी बात होगी तो ऐसा नहीं कि 3 कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे 4 कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक होता है आर माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट और आर्स कॉम्प्लीमेंट ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं ऑक्टल के लिए, मतलब r इक्वल टू 8, तो इसमें दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट होंगे, एक होगा 7's कॉम्प्लीमेंट और एक होगा 8's कॉम्प्लीमेंट ठीक है। अच्छा अगर मेरे पास लिखा है r इक्वल टू, बात कर लेते हैं हम लोग डेसिमल के लिए, चलो तो डेसिमल के लिए r इक्वल टू मेरे पास होता है 10, तो 10 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे सर यहाँ पे? सर ये हो गया 9's कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया 10's कॉम्प्लीमेंट। ये आपको सब पता होगा है ना, ये सब कुछ आप लोग पढ़े होंगे अपने कंफर्म, लेकिन भूल गया होंगे मस्त हो जाएगा यहां से गारंटी। यहां पे चलो अगर डुओ डेसिमल की बात करते हैं, सर डुओ डेसिमल आपने लिखाया था आर इक्वल टू 12, मतलब 11's कॉम्प्लीमेंट की बात होगी और 12's कॉम्प्लीमेंट की बात होगी ठीक है। उसके बाद अगर आप लिखते हो हेक्सा, हेक्सा डेसिमल मतलब आर इक्वल टू हो गया 16, तो यहां पे निकलेगा 15's कॉम्प्लीमेंट और 16's कॉम्प्लीमेंट। अभी अगर रैंडमली मैंने अगर आर इक्वल टू चलो 5 लिखा है ना, r इक्वल टू 5 है मेरे पास, तो इसमें कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट निकलेंगे? अगर आपके पास बेस वैल्यू 5 है कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट निकलेंगे? सर 4's कॉम्प्लीमेंट और 5's कॉम्प्लीमेंट ठीक। एक्चुअली में ये जो r's कॉम्प्लीमेंट आपके पास लिखा हुआ है ये क्या शो कर रहा है आपको? सर r's कॉम्प्लीमेंट है r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट, R प्लस आर माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ये होता है। मतलब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी नंबर सिस्टम गिवन होगा है ना, आप क्या करोगे उसको बाइनरी देखोगे, ऑक्टल है कि डेसिमल है कि डुओ डेसिमल है कि हेक्सा डेसिमल है, ये आप सब कुछ देखोगे, बेस वैल्यू देखोगे और आप देखोगे कि सर इसका कौन सा कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल है। आप बोले सर आर माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट और आर्स कॉम्प्लीमेंट, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट होता क्या है सर? ये इसी कॉम्प्लीमेंट में आप 1 ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा आर्स कॉम्प्लीमेंट ठीक है। अभी आपको मैं एग्जांपल से यहां पे बताता चलूंगा, वेट करना आप लोग, इसको आप लोग लिख लो पूरा। ठीक है तो आप देख रहे हैं कितना ये आसान टॉपिक है, आप लोग को होप्स हो गई आसान लग रहा होगा, चीजें याद करने में दिक्कत नहीं हो रही होगी और आपको ऐसा ही लास्ट तक लगेगा पूरे चैप्टर, पूरे पूरे हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक होने के बाद ऐसा ही आपको हर चीज में लगेगा। बस आप लोग कोई भी क्लास मेरी मिस मत करना। मैं देख रहा हूँ कि 2 से 3 लोग जो है कल यहाँ पे कम है कल के अटेंडेंस में, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, आप कोई भी क्लास मिस करो मेरी मत करो, पाप हो जाएगा यार, पाप चढ़ जाएगा आपको ठीक। चलो एग्जाम्पल लिया जाएगा, टेबल आप नोट कर लिए होंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अपने पास गिवन है 769, ये मेरे को r इक्वल टू 10 मतलब डेसिमल में गिवन है। सर आप डेसिमल क्यों लेते हो बार बार? सर डेसिमल हमने को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना यार, डेसिमल अपने को अच्छा भी लगता होगा
अब अपने को फाइंड करना है इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट एंड टेंथ कॉम्प्लीमेंट। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो मेरी बात, सुनो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे आपको फाइंड करना है डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट और टेंथ कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो जब आप देखते हो, ध्यान से मेरी बात को आप लोग सुनना, मैं एक बार बताऊंगा, मस्त बताऊंगा, एक बार में समझ में आएगा, ठीक। और जो मैं बोलता हूं ना, आप ऐसा लगता है कि सर वो प्रोसीजर है, वो स्टेप है अपना, तो उसको आप अपने हिंदी मराठी कुछ कोई भी आपकी भाषा हो आप आराम से लिख लो, आपकी मर्जी है, आप कॉपी है ना। तो जब अपन यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो अपने पास आर इक्वल टू यहाँ पे होता है 10, चलो कैपिटल लिख लेते हैं इसको, आर इक्वल टू होता है 10। तो यहाँ पे दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स पॉसिबल है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट और टेंथ कॉम्प्लीमेंट, ये दो कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल है अपने पास, दैट इज ओके। और वही आपसे पूछा भी है ना। तो जब आप यहाँ पे देखते हो आर इक्वल टू 10, तो आपका जो सिंबल होता है 0 से लेके 9 तक बनेगा, है ना। तो यहाँ पे जब भी इस टाइप की बात होगी तो आप क्या करोगे, आप से कितने डिजिट्स है अपने पास, 3 डिजिट्स, तो 999 मैक्सिमम सिंबल को आप लेके आओगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम सिंबल जो होता है वो होता है 9, ठीक। और जो नंबर है जिसका आपने को फाइंड करना है उसको आप सबट्रैक्ट कर दो, ये 999 है, ठीक। तो ये हो गया 9 - 9 सर 0, 9 - 3 हो गया, ये 2, ये हो गया 230। इसका मतलब है कि 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 769, ये लिख रहा है मैं यहां पे, इज 230, ठीक। अब क्या करो, 230 + 1 आप ऐड कर दो, क्योंकि आपको पता है आर कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट प्लस वन होता है, तो आपने प्लस वन ऐड किया तो 231। इसका मतलब सर 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 769 विल बी 231 आंसर। समझ में आया गया, बताओ तो समझ में आया क्या। ठीक है, तो सभी का रिप्लाई यहाँ पे आ रहे हैं, सबको समझ में आ गया, और इसमें कोई बड़ी चीज भी नहीं है, कोई एकदम खतरनाक चीज नहीं कि आप समझ ही ना पाओ, आराम से आप समझ गए होंगे, ठीक। अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ लेके आता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि एक और एग्जांपल मैंने लिया है ना इसी में, और मैंने बोला चलो इसी में हम लिख देते हैं, इसी में कि इसी क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना है सर, फाइंड 5 कॉम्प्लीमेंट एंड 6 कॉम्प्लीमेंट्स। ये देखो क्या फाइंड करना है, फाइंड 5 एंड 6 कॉम्प्लीमेंट। ये सर ये तो गजब हो गया, ये क्या पूछ दिया आपने सर। यहां पे आप बोले थे कि सर बेस वैल्यू गिवन होगा है ना, तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट, ये दो पॉसिबल है। लेकिन सर आप तो हमसे कुछ और ही पूछ दिया आपने, 5 कॉम्प्लीमेंट 6 कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या करोगे, तो आप उसको कन्वर्ट कर दो। एक आप मुझे एक बात बताओ सर, ये 5 और 6 कॉम्प्लीमेंट जो आपने लिखा हुआ है ये कौन से नंबर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, जरा बताओगे किस बेस वैल्यू के लिए ये पॉसिबल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ तो जरा सर ये किसके लिए पॉसिबल है, बताओ ना। देखो रिप्लाई आ रहा है बड़े प्यार से आप लोग का, 6 है ना, चलो बताओ बाकी लोग बताओ, बताओ सर 6 के लिए है कि 5 के लिए है नंबर सिस्टम, सोचो सोचो रिप्लाई करो, और है ना 6 के लिए हो रहा है। तो ये एक्चुअली आर इक्वल टू 6 के लिए अपने पास 5 कॉम्प्लीमेंट और 6 कॉम्प्लीमेंट ये दोनों पॉसिबल है ना। तो वही आपसे पूछा हुआ है सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि आपके पास जो 769 जो अपने पास डेसिमल में गिवन है आप इसको चेंज कर दो 6 नंबर सिस्टम में, है ना, तब अपन कुछ भी कर सकते हैं 6 में जब आप आ गया। तो ये तो चेक करने का तरीका क्या होता है,
तो ये अपने पास है कन्वर्जन, डेसिमल से एनी नंबर सिस्टम। याद करो सर, याद क्या करो, अपने को याद है ना क्या करते हैं, कल ही तो पढ़ा है हम लोगों ने 24 आवर्स अगो, क्या पढ़ा है कि सर नंबर को उठाओ, इंटीजर पार्ट है और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 6 से बेस वैल्यू के साथ, तो ये हो जाएगा 1, फिर उसके बाद ये 2, 4 और 9 मतलब 8, कितना बच गया 1, ठीक है, फिर ये 6 से करेंगे ये हो गया 2, कैरी 2, 6 से करेंगे तो ये हो गया 3 कैरी भी, फिर उसके बाद जान बची है क्या सर, जान अब नहीं बची है, इसका मतलब है कि मेरे पास ये कन्वर्ट हो गया, आ गया 3, 3, 2, 1 और ये हो गया 6, समझ में आ रही बात। अब अगर मैं इसका निकालूंगा 5 कॉम्प्लीमेंट, तो 5 कॉम्प्लीमेंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सर r इक्वल टू 6 है तो यहाँ पे 0 से लेके 5 तक का सिंबल होगा, ध्यान से समझ ले रहा ना मेरे हर एक चीज को, ठीक है, 0 से लेके 5 तक के सिंबल्स होंगे, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 5, 5, 5, 5 से ये चारों डिजिट को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 5 माइनस 1 सर 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 और ये 2 हो गया, तो ये हो गया 5 कॉम्प्लीमेंट। अगर मुझे इसका लिखना है सर 6 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 प्लस 2, 2, 3, 4 प्लस 1, इसका मतलब 2, 2, 3, 5, ये अपने पास आंसर। आप देख सकते हो मेरे अकॉर्डिंग आपका पूरा कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक क्लियर हो गया होगा, है ना, ये आप देख सकते हो पूरा मस्त फॉर्म। तो अभी आप देखे होंगे मैंने यहाँ पे बाइनरी स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि बाइनरी के लिए मैंने कुछ अलग एक टॉपिक रखा हुआ है और वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड बाइनरी नंबर, जिसमें हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, बाइनरी के लिए क्या होता है वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट, पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे, और उसके लिए तो अपने को एक पूरा 1 से 1.5 घंटा चाहिए होगा, है ना, तो वो आज तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा अलग है, इसके बाद हम लोग इसके कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ पे लगाते हैं, है ना। देखो ध्यान से आपको देखना, मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे, मैंने बोला कि मेरे को फाइंड करना है B2F3, ये गिवन है आपको, और ये गिवन है आपको यहां पे 16, ठीक, फाइंड इट्स फिफ्टींथ कॉम्प्लीमेंट, 16th कॉम्प्लीमेंट, 4th कॉम्प्लीमेंट ये, और 7th कॉम्प्लीमेंट ये है। चलो मैं चाहता हूं इसको आप लोग सभी सॉल्व करेंगे, 4 आंसर आपके पास आएंगे, जल्दी से आप इसको बताओ। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और कल की क्लास जब होगी तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड बाइनरी नंबर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिल्कुल दिखेगा आपको, हर 2 साल में क्वेश्चन दिखता है वहां से, तो कल की क्लास कोई भी मिस मत करना, है ना। मैं आज स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है और टॉपिक हो जाए मैं समझा पाऊं, दैट्स व्हाई अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि मैं कभी छोड़ दूं क्लास को, ऐसा मत सोचना आप लोग, है ना, ये क्वेश्चन करो आप लोग, कल का जो क्लास रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
15 और 16 सभी का आ जाएगा, है ना। चलो सॉल्व करो जल्दी से। फिफ्टीन सिक्सटीन कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ कॉम्प्लीमेंट, सेवेंथ कॉम्प्लीमेंट, ये आपको निकालना है। तो अगर इसका अपन फिफ्टीन कॉम्प्लीमेंट देखते हैं तो मैं क्या लिखूंगा, आप क्या करोगे, इसके मैक्सिमम सिंबल कौन सा सिंबल है मैक्सिमम, सर जीरो से लेके अपने पास होता है एफ तक, मतलब आप करोगे एफ 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 माइनस बी टू एफ थ्री, सर 15, एफ मतलब 15 होता है ना, 15 माइनस 3 12, 12 मतलब सी, है ना। उसके बाद एफ माइनस एफ 0, एफ माइनस 2 13 मतलब डी, एफ माइनस बी, सर ये एफ माइनस बी 15 माइनस 11 मतलब 5 डी 0 सी, ये हो गया 15 कॉम्प्लीमेंट। 16 कॉम्प्लीमेंट होगा 5 डी 0 सी प्लस 1 मतलब 5 डी 0 सी मतलब 12 प्लस 1 13 मतलब टी, ये हो गया 5 डी 0 डी, ये तो सभी का आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 15 माइनस बी, अच्छा यार ये तो गड़बड़ हो गया यार, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो देखो ये 4 15 माइनस 11 में 5 लिख दिया 4, ठीक है, ठीक। तो ये तो आंसर आ चुका है। अब जब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे फोर्थ कॉम्प्लीमेंट का, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे जरा बताओ तो कमेंट सेक्शन पे, किसमें कन्वर्ट करना चाहिए इसमें ज्यादा बेहतर होगा बताओ तो। फोर्थ कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, एग्जैक्टली जब फोर आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आप इसको बेस वैल्यू 5 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इससे अपने पास दो पॉसिबल है सर, 4 भी पॉसिबल है और 5 भी पॉसिबल है, तो मैं इसको बेस वैल्यू 5 में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो काफी लॉन्ग प्रोसेसर रहेगा। 16 से अपने को 5 में आना है अभी यहाँ पे, मतलब अभी आप इसको 16 को किसमें कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में, है ना, आपको बी टू एफ थ्री ये अभी 16 में है, इसको आप कन्वर्ट करोगे इसमें सर 10 में, है ना, डेसिमल में, उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करोगे 5 में, क्योंकि डेसिमल से डायरेक्ट 5 में कन्वर्ट करने का कोई तरीका नहीं होता है, आपको डेसिमल में लाना पड़ेगा फिर उसको आप 5 में लाओगे, ठीक है। चलो तो कन्वर्ट करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है, डेसिमल में कन्वर्ट करने पे कितना आएगा, सभी को प्रोसेसर मैंने लिखवा दिया है, कल की क्लास का हर एक चीज आज यूज हो रहा है, कल की क्लास जो लोग अटेंड नहीं किए थे बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, किए थे तो बहुत अच्छी बात है, बताओ डेसिमल में कितना आएगा वो, फिर डेसिमल से आपको यहाँ पे 5 में आना पड़ेगा। जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन ही है ये, जो करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, है ना, जल्दी से बताओ आंसर क्या लाएंगे इसका आप लोग। तो विशाखा अग्रवाल आंसर आई है 45811, ठीक 45811, ऐसे ही आप लोग कॉम्पिटिशन रखो ना आपस में, मजा आता है पढ़ाने में भी मेरे को, तो यहाँ पे आएगा 45811, 45811। अब इसको आप डेसिमल को कन्वर्ट कर लो 5 में, है ना, चलो कन्वर्ट करो, तो 45811 इसको आप क्या करो 5 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, ये हो गया 9 टाइम्स, ठीक है, ये 1 टाइम, ये 3 और ये 1, 6 टाइम, 3 1 6 1 1 मतलब 2, एक बच गया 5, इसको आपने किया
तो ये हो गया वन टाइम 4 1 8 1 6 3 1 2 मतलब 2, ये 2 बच गया। फिर 5 से आप करोगे तो ये 3, 3 और 3 ये 6 बच गया, 3 और 2 फिर 6 मतलब 2 बच गया। फिर उसके बाद यहां पे कि जगह नहीं बच रहा यार, फिर ये 7 टाइम, 7 टाइम के बाद 1 से 1 और 6 3 टाइम कितना बच गया 1। फिर 5 से किया आपने तो ये हो जाएगा 1, फिर 2 और 3 4 टाइम्स, फिर 3 बच गया। फिर 5 से करोगे ये देखो बहुत कुछ आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी 2 4 3 1 2 4 3 2 4 3 1 2 2 1, है ना, स्पेस नहीं है मैं इसलिए आगे नहीं कर पाया। ये देख लो, चेक करो तो ये आ रहा है क्या, 2 यहाँ पे टाइम जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक 2 4 3 2 2 1, ये अपने पास कन्वर्ट किस में हो गया 5 में, है ना। अब क्या करोगे, आप इसका फोर्थ कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो 0 5 के लिए क्या होगा, 0 से लेके 4 तक होगा, ये देखो। और आप देखोगे 5 में आ रहा है तो 4 मैक्सिमम सिंबल यूज हो चुका है ना। तो आप क्या करो 4 4 4 4, ये आप निकाल रहे हो यहाँ पे फोर्थ कॉम्प्लीमेंट 4 4 4 4, ये तो ये हो गया 2 4 3 1 2 2 1, ये ठीक सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया 2 0 1 3 2 2 3, बस ये आंसर हो गया। अच्छा अगर इसका मैं निकालता 5 कॉम्प्लीमेंट तो आप लिखते सर प्लस 1 कर दो आप, तो ये हो जाएगा 2 0 1 3 2 2 4, बस हो गया ठीक। 7th कॉम्प्लीमेंट, क्या बात है, वैभव का आंसर 7th कॉम्प्लीमेंट का भी आ गया, बहुत बढ़िया वैभव। और आंसर 7th कॉम्प्लीमेंट का है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 7th कॉम्प्लीमेंट, मैं लिख के इसको करके नहीं बताऊंगा, आप लोग कर लेना इसको। 7th कॉम्प्लीमेंट आएगा 5 757 5 2 5 757 5 2 5, ये अपने पास आंसर बनेगा ठीक है। तो मैंने इसमें सभी टाइप के आपको वैरायटी बता दी है किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते होगे ना, टेस्ट सीरीज वगैरह, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाते हैं, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो आप लोगों को पढ़ना तो है ही, है ना। तो 7th कॉम्प्लीमेंट का आंसर मैं बाकी लोग के लिए वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताओ। और मैंने आपको ये क्वेश्चन करा कि ये भी आपको ये भी इस चीज का गारंटी भी दिया है कि ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन में आपको हमेशा पेयर के फॉर्म में पूछेगा कि आर इक्वल टू 16 है तो 15 और 16 कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछ रहा है, नहीं कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे फोर्थ कॉम्प्लीमेंट और 7th कॉम्प्लीमेंट भी ऐड कर दिया है, आप देखे होंगे कुछ भी पूछ सकता है, वो रैंडमली किसी भी कॉम्प्लीमेंट को पूछ सकता है, तो आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। और आप देखे होंगे सर हेक्साडेसिमल से अपन 5 पे गए, तो 5 पे जाने के टाइम पे आपके पास कोई मेथड नहीं होता है, आप उसको या तो डेसिमल में चेंज करो और डेसिमल के बाद उसको नंबर सिस्टम आर इक्वल टू 5 में लेके आओ ठीक। बताओ तो बाकी लोग क्या आ गया, वो 7th कॉम्प्लीमेंट सही है बताओ। बताने की जरूरत पड़ेगी क्या, कर लेंगे कि नहीं बताओ।
इतना टाइम क्यों लग रहा है बॉस, क्या हो गया? ठीक है, आदित्य का भी आंसर आ गया सर, ठीक है 757525, ठीक है करेक्ट हो रहा है, ये दो लोग का यही आ रहा है। अच्छा सिक्स कॉम्प्लीमेंट आप बोलेंगे तो भी आप निकाल सकते हो, है ना, सेवंथ कॉम्प्लीमेंट अगर आपसे कोई सिक्स पूछेगा तो आप उसको कन्वर्ट करने पड़ेगा सिक्स में, है ना। अगर आपसे पूछ रहा है एट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो आप लिखोगे 757525+1, इसका मतलब 757526, ये हो गया मेरे पास एट्स कॉम्प्लीमेंट। तो आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, है ना। आप लोग जितनी प्रैक्टिस मेरे साथ में क्लास में करेंगे ना, आपको उतना कम चीजों को याद रखना अपने होमवर्क में, अपने सेल्फ प्रिपरेशन में उतना दिक्कत नहीं होगा। कई बार अपन क्या करते हैं कि अपन क्लास में क्या है, चीजों को जो सर ने बोला वो उसको अपन परफॉर्म नहीं करते, तो ये ना आपके एग्जाम, जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे घर में बैठ के तो आप ज्यादा टाइम दोगे। आप जितना क्लास में इन्वॉल्व रहोगे उतना आपका आपको कम डेडिकेशन देना पड़ेगा अपने घर पे बैठ के, ये कंफर्म है, बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको, है ना। तो जो भी आपको बोलता परफॉर्म करने समझ में नहीं आ रहा है आप पूछ लो, और समझ में आ रहा है तो आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया, स्नेहा का भी यहाँ पे आंसर आ गया, तीन लोग का आंसर आ गया, वैभव, आदित्य, स्नेहा, 757525। ठीक, तो जब आप उसको सेवेंस में करे होगे तो आप उसको किसमें चेंज किए बताओ, तो सेवेंस में आप किए होगे तो किसमें आपने चेंज किया उसको, ऑक्टल, एग्जैक्टली यही मैं चाहता था आप लोगों से, आप बताएं इसका आंसर, ऑक्टल, है ना। और ये इसी को आपने, अच्छा इस मतलब कि आपको ऑक्टल में चेंज करना है तो मस्त हो गया सर, हेक्सा से आप ऑक्टल में चेंज किए हो तो इसका मतलब है आपने बाइनरी पे चेंज किया होगा, या आप उसको डेसिमल में आपके पास होगा तो उसी डेसिमल को आप ऑक्टल में लाए होगे। दो तरीके आपके पास ऑक्टल में लाने के, हेक्सा से आप डेसिमल में ले आओ और डेसिमल से ऑक्टल में चले जाओ, या हेक्सा डेसिमल से बाइनरी पे जाओ और बाइनरी से ऑक्टल पे चले जाओ, ऐसे ही आपने किया होगा। ठीक है, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जस्ट थोड़ी देर बाद मेरी एक और मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट होगी यहाँ पे, है ना, मेरे यहाँ पे सेंटर पे, तो वो मैं कंटिन्यू करूंगा। आज मैं आप लोग को आई थिंक 8 से 10 मिनट पहले ही छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग अभी जाके आप लोग आईपीएल देख लो, ठीक है, संडे का दिन है इसलिए चलो ठीक है, चलो 8-10 मिनट पहले बनता है। कल हम लोग मिलते हैं साइंड बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे 2 आवर्स हम लोग उसके क्वेश्चंस को लगाकर बहुत मस्त फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल क्लास में, सेम टाइमिंग 5 to 7 PM। बाय बाय क्लास, थैंक यू।